बताइए अपने किसी के। मैंने अपने एक्सिबिशन का नाम जोई रखा। जोई इज अ ग्रीक वर्ड, थोड़ा डिफरेंट नाम है इसलिए मैंने चूज किया। जोई मीन्स लाइफ। नॉर्मली आप देखोगे कि आर्टिस्ट जब एग्जीबिशन करते हैं तो एक ही थीम में पूरा कवर करते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ अलग दे पाऊँ, तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट थीम यूज किए। जैसे आप देखोगे कि माइथोलॉजी में मैंने माइथोलॉजी कैरेक्टर को अपने फ्री फ्लोइंग व्यू में पेंट किया है। मुझे कलमकारी पसंद है तो मैंने कलमकारी को कलमकारी में मैंने कैमेट्री पे फोकस किया है। कलमकारी का जो डेलिकेसी जो रहती है और फीमेल का भी, तो वो ध्यान में रखते हुए कंबाइन करके मैंने डिज़ाइन क्रिएट किया है। आपने सैंड आर्ट पे देखा होगा। देन अगर मैं ऐसा सोचती हूँ कि मीडिया में सिर्फ कलर पे ही पेंट करें, तो मैंने यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग किए हैं लैंडस्केप्स वगैरह, उसमें मैंने वोडिंग क्ले किया है, मैंने वोडलेप यूज़ किया है कलर के साथ। मैं ऑलवेज सोचती हूँ कि हमें कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। मैम हमने देखा कि अलग अलग थीम पे आपने पेंटिंग बनाया हो, तो कितने दिनों की मेहनत है ये उसके बारे में बताया, कितना वक्त लगा, क्या कितना आपने मेहनत किया? मेरा ये जो काम आप देख रहे हैं ना, वो एक साल पूरा, एक साल, क्योंकि कंसेप्ट पे सोचना पड़ता है, उस पर कुछ नया क्रिएट करो। मैं मुझे नहीं लगता कि मैंने कहीं से कॉपी, आई डोंट लाइक, मुझे कहीं से कॉपी करना भी पसंद नहीं, कोई आइडिया कहीं से चुराना भी आई डोंट लाइक। ये सब जितने भी थीम थे वो मेरे खुद के थीम है, मेरी आइडिया है, और मुझे कुछ अलग करना था इसलिए थोड़ा मुझे एक साल लग गया। और यहाँ 50 से ऊपर मैंने पेंटिंग डिस्प्ले की। नेहा मैम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनके आपकी पेंटिंग पे मेहमान? शी इज अ वेरी गुड पर्सन एज अ ह्यूमन, शी इज वेरी गुड, शी इज अ आर्टिस्ट। मुझे गारंटी था कि उसे पेंटिंग वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है, तो मुझे उनको ही बुलाना था, मुझे कोई और नहीं चाहिए, नेहा ही चाहिए थी आज, बिकॉज आई नो हर पर्सनली। नेहा मैम आप क्या कहना चाहेंगे इस पेंटिंग के बारे में? क्या ही कहें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आर्टिस्ट वर्ड जनरली जो अंग्रेज़ों के ज़माने से यूज़ किया जाता था और है, वो पेंटिंग और पेंटर जिसको कहते हैं हम कलाकार, चित्रकार, उसके लिए बचपन से सुना था। माँ और मेरे मामा दोनों फ्री हैंड आर्टिस्ट हैं, मेरी कज़िन शी इज़ एन आर्टिस्ट, और कानन बेन को जब मिली तब मुझे मेरी एक सोल सिस्टर कह सकते हैं, वो मुझे उसमें दिखी। पहले भी मेरी लाइफ में एज एन आर्टिस्ट आप अगर देखें तो फाइन आर्ट्स से बहुत जुड़े हुए कलाकार थे, पुनीता भगता जी जो अभी नहीं है हमारे बीच में, पर कानन बेन को मिलने के बाद लगा कि जो चित्रकार जिंदगी जीता है ना, जो सींचता है ना, वैसे चित्रकार है। आई मीन आर्ट गैलरीज वगैरह जितना फैंसी है और ग्लैमर इंडस्ट्री जितना फैंसी है, उतना ही हार्डवर्किंग, उतना ही पैशनेटली इफ आई से सींच लेते हैं जिंदगी के हर रस को, हर दिन को जो कलाकार जीते हैं ना, उनमें से एक है कानन जी, जिनको मैंने जीते हुए और सर्जन करते हुए देखा है। सो इट्स नॉट लाइक आई वुड रादर से इट्स माई प्रिविलेज। यहाँ पे धीमंत व्यास भाई जो मेरे भाई हैं, वो भी कलाकार हैं, उनके भी एग्जीबिशन हो चुके हैं। ये गैलरी कानन बेन आपके जैसे कलाकारों के लिए और कलाकारों की भव्यता की देन है। और यहाँ पे इतने बड़े पैंडेमिक के माहौल में जहाँ पे कोई तंत्र ठिकाने पे नहीं है, हम सब मिले हैं, थैंक यू कानन बेन, टू बिगिन अ ब्यूटिफुल, कलरफुल एंड बैलेंस्ड लाइफ। सो इट इज़ माई प्रिविलेज, अगर टाइम निकालना पड़ा या प्रोटोकॉल्स के साथ काफ़ी सारे नियमों को निभाते हुए हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ा, बेहाल भी थोड़ा सा होना पड़ा बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, बिकॉज एवरीवन इज कमिंग आउट, बट टुडेज एग्जीबिशन इज स्पेशल इन स्पेशलिटीज बिकॉज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क ऑफ ऑल ऑफ यू ऑल प्रेजेंट हियर, ट्रस्ट मी इट विल गो लॉन्ग वे। Till 16 it is there, I'm telling you, for next 60 years she is going to go exhibit her paintings. और एक साल बहुत कम समय लगा है, मैंने देखा है कलाकारों को 6-6 साल लग जाते हुए भी 50 पेंटिंग को एग्जीक्यूट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जैसे 50 डायलॉग बोलना और स्क्रीन के लिए तैयार होना कोई बच्चों का खेल नहीं है, आप सब जानते हैं। पर वी एज ए टीम कमॉन, जो आज हम सब इकट्ठा हुए हैं एज अ पार्ट ऑफ आर टीम, हैज रियली मेड इट। ही
एंड ऑल आर जस्ट अराउंड द एग्जीबिशन हॉल. सो खैर हम इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, पर आप सब घूमिए, माउथ पब्लिसिटी करिए और डिसेंसी के साथ अगले 6 दिन यहाँ आइए और अपनी ऊर्जाओं को जागृत कीजिए एंड हैव अ कलरफुल लाइफ. थैंक यू सो मच मिसेस सेन, आई एम फंबलिंग. थैंक यू सो मच मिसेस कानन खट एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर मेनी मोर एग्जीबिशंस एंड आई एम ऑनर्ड, आई एम ट्रूली ऑनर्ड. एक और बात बताना चाहूँगी, आज जो कोई भी लोग नहीं आ पाए हैं कुछ असाइनमेंट्स की वजह से, उन सबका प्यार मैं भर भर के साथ में लाई हूँ एंड दिस इज अ सक्सेस. मैम 2 साल से कोरोना चल रहा है और 2 साल के बाद ये आपकी हाथ से ओपनिंग हुआ है, ये एग्जीबिशन क्या कहना चाहेंगे और क्या मायने रखते हैं? बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि ये घर की बात है, क्योंकि ये कलाकार का बहुत ही शिद्दत से किया हुआ काम है और आप एक एक पेंटिंग देखेंगे तो उसमें आपको जीवंत लाइफ नज़र आएगी. और 2 साल के पैंडमिक में तो आई थिंक आप सब जानते हैं, हमसे ज़्यादा आप घूमे हैं कि क्या बेहाल कर दी है ज़िंदगी. उसमें अगर कानन बहन जैसे व्यक्ति ने 2 साल मेहनत करके आइडियाज़ कलेक्ट करके 1 साल में अगर डिस्प्ले करना सोचा और उन्होंने किया, तो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक इंस्पिरेशनल साइन है, ये एक ऊर्जा शक्ति जगाने की चेष्टा है कलाकार की दूसरे हजारों जीवंत जीव में और प्राण में, कि हम अगर हैप्पीनेस के कलर्स ऐड करें अपने कैनवास पे तो हमारी ज़िंदगी भी इतनी ही खूबसूरत और इतनी ही मीनिंगफुल बन सकती है. सो अगेन आई विल से इट्स माय प्रिविलेज, बहुत छोटा जीव हूँ इस पूरी पृथ्वी पे, पर अगर मैं अपने फुलवारी का एक मोगरा जैस्मीन बन सकती हूँ, सफ़ेद कलर प्योरिटी, तो उसमें अगर कानन बहन जैसे कलाकार बहुत सारे कलर डाल देंगे तो ज़िंदगी मालामाल हो जाएगी, खुशहाल हो जाएगी. थैंक यू सो मच मैम. मैम ये लॉकडाउन में बेसिकली सब परेशान थे, उसके बावजूद भी आपने इस पेंटिंग को बनाया 1 साल के अंदर, तो उसमें कुछ परेशानी तो आई होगी कोरोना लेकर? जैसे जनरली मुझे जो मटेरियल चाहिए था वो अवेलेबल नहीं था, शॉप्स वगैरह तो जो भी अवेलेबल मेरे पास अवेलेबल था उसमें से मैंने कोशिश की कि मैं जितना भी रेडी कर पाऊँ. बाद में जब सेकेंड ये जो बाहर चल रहा है वो ठीक है, हमें अंदर से एकदम काम ही रहना चाहिए, हम जो रूटीन हमारा जो नेचर है वो कभी नहीं मेरा आपको सवाल है, आपको पेंटिंग में कितना इंटरेस्ट, कितना रुचि रखती है? मुझे पेंटिंग में रुचि खुद आई विल नॉट हैव अ गट्स टू से कि मैं कलाकार बन सकती हूँ. जितना भगवान ने कला के क्षेत्र में आज तक मुझे दिया है वो भी शायद लायकात से ज़्यादा है, इससे और ज़्यादा मेहनत लगती है, पर कहीं ना कहीं बड़ों के आशीर्वाद ने मुझे आज आप तक हमेशा आगे पहुँचाया है ना. आई एम काइंड ऑफ ब्लेस्ड, बट मामा एज आई ब्रीफली सेड, माई मामा, माई मामू, माई कजन सिस्टर, माई सिस्टर, दे ऑल आर पेंटर एंड आर्टिस्ट. I know few artists from my childhood. My uncle Ajit uncle is an artist. Kanan Ben I know personally. Punita Bhakta I know. Dhimant Vyas I know. I know this all beautiful legendary kalakar. Almost दिल से और करीबी से उनका passion मुझे पता है, और जो हमारा जज्बा है कि हम कलाकार हैं, हम कोई ऐरे गहरे नथू गहरे यूं ही खड़े होकर कुछ दिखा रहे हैं वैसा नहीं है. कलाकारों की जिम्मेदारी जो होती है वो निभाने का जज्बा हम सब ने लिया है और उसके तहत हम काम करते हैं, तो वो खुशी जिसमें आप सबका प्यार मिलता है. सो मैम क्या तारक मेहता की टीम को लेकर आएंगे आप? तारक मेहता की टीम फिलहाल अब सबको बहुत खुश करने में बिजी है. 16 तारीख तक जो भी कलाकार आ सकेंगे, पर मैं एक दावा कर सकती हूँ कि यहाँ पे मुझ जैसे कलाकारों को भी ज़रा कम ब्राइट कर दें, इतने सारे ब्राइट मीनिंगफुल पेंटिंग्स हैं. तो हाँ मैं तो आई हूँ, शुरुआत कर रही हूँ, मेरे जैसे कई कलाकार आएंगे. 16 तक आप आते रहिए और इस विधा को जागृत करते रहिए. ट्रस्ट मी, हर पेंटिंग्स उनकी जो हमारी सुंदरियाँ हैं, हमारी जो अभिनेत्रियाँ हैं, हमारी जो नायिका है, हमारी जो पृथ्वी के रंग है, हमारी जो डेप्थ है,
वो सब फिलहाल जिस एनर्जी की हमें ज़रूरत है वो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। आइए आप इसको स्टडी कीजिए, मज़े लीजिए, ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि आर्ट गैलरी को भरना बहुत मेहनत का काम है। आप आए इसलिए हम आपके ऋणी रहेंगे। दूसरे सेलिब्रिटीज़ आएंगे, मुझसे बड़े सेलिब्रिटीज़ आने वाले हैं, आप भी आइए और इस गैलरी की शान बढ़ाइए। थैंक यू सो मच कमल। एंड ये शुरुआत पहला स्टेप है हमारी सक्सेस का। आगे आगे आपके साथ हमें बहुत सारे जिंदगी की खुशियों के रंग भरने होंगे। जय हिंद। थैंक यू मैम। थैंक्स मैम। थैंक यू सर। आपको एक पेंटिंग देखते हैं। इट्स अ फैंटास्टिक एग्जीबिशन। मैं राइटर हूँ लेकिन पेंटिंग में भी मेरी बहुत रुचि रही है और मुझे सीखना था। मैं लाइफ में कभी सीख नहीं पाया। मैं 9th स्टैंडर्ड में था तो मुझे पेंटिंग में कुछ 9-10 मार्क्स मिले थे तो, लेकिन मैं सीख नहीं पाया। तो मैं कोई भी आर्टिस्ट के पेंटिंग्स देखता हूँ तो मुझे एक सरप्राइजिंग फील होता है कि इतना अच्छा आर्ट कैसे कर सकते हैं। तो कानन के जितने भी पेंटिंग्स हैं वो एक से बढ़कर एक पेंटिंग है और एक पेंटिंग बनाने में कई बार कई महीने लग जाते हैं। कई बार मूड आया तो लोग एक हफ्ते में भी पेंटिंग बना लेते हैं, लेकिन बनाने के लिए ये बहुत मेहनत, टैलेंट और डेडिकेशन, पैशन वाला काम है। तो मेरा फील्ड एक तरफ से क्रिएटिविटी का ही है तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और कोई भी आर्टिस्ट है, मैं भी राइटर हूँ तो एक क्रिएटिव जैसे आर्टिस्ट ही है, नेहा जी है तो एक्टिंग है, तो हर लोग का एक आर्ट रहता है। तो ये जो आर्ट है और इसमें एक सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि ये खाली कोई एक थीम लेके नहीं बनाया गया, लाइफ है, जोए, जीवन, जोए मीन्स ग्रीक वर्ड लाइफ, जीवन। तो आर्ट ऑफ जोए, जोए बाई कानन, तो ये इसमें लाइफ दिखती है। और काफ़ी पेंटिंग जो है कि जैसे कि ये सब आप सीन देख रहे हैं वो पेंटिंग्स जैसे कि स्पीति में, स्पीति वैली में विजिट के दौरान जो देखा हो वो कैमरा में लोग लेते हैं, ये कैनवास पे लेना बहुत ही डिफिकल्ट। बहुत अच्छा सा पॉइंट आशु सर आपने नोट किया कि जो आंखों ने खींचा उसको कैनवास पे होता है, दैट इज कॉल्ड जोई बाई कानन। एंड शी ट्रैवल्स इमेंसली टू स्टडी हर फील्ड। उसका जो कलर कॉम्बिनेशन मुझे आज देखने को मिला है दैट इज आउटस्टैंडिंग। सच में अगर ये रात होती है और उसमें जो हमें सोने जैसी रात दिखती है और उसको कैनवास पे उतारना और सक्सेसफुली उतारना और हम जैसे आम इंसान को कन्विंस करना ना, दैट इज कलाकार की सक्सेस। तो सबसे अलग पेंटिंग क्या लगा सर आपको इसमें से? हर एक पेंटिंग अपने आप में अलग है लेकिन किसी को ऐसा है कि जैसे पांच उंगलियां है सभी एक, लेकिन मुझे पर्सनली कि ये जैसे नेचुरल, जहाँ नेचर दिखता है वो चीज़ें, क्योंकि मैं एब्स्ट्रैक्ट वगैरह मैं ज़्यादा समझता नहीं और एब्स्ट्रैक्ट कारण के बहुत कम लाइफ में उसने की है पेंटिंग, तो जो नेचर जहाँ दिखता है वो अपील करता है। मुझे नायिका एक बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई क्योंकि ऑफ कोर्स बीइंग अ फीमेल और नायिका मतलब हमें तो रंग रूप के अंदर ही लिपटा रहना होता है। बहुत कम मौके मिलते हैं कि हम ऐसे सादे रादर एज एन आर्टिस्ट में मैं कहूँ तो एक न्यूड कलर में आने का हमें मौका मिलता है। और ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी हैं कानन बहन जैसे जो कहते हैं कि आई वॉन्ट यू टू प्रेजेंट योर सेल्फ न्यूड इन माई एग्जीबिशन। न्यूड मतलब ये न्यूड नहीं, एक चित्रकार के नज़रिए से, कलर के नज़रिए से न्यूड कलर भी होता है मतलब ट्रांसपेरेंट। आपने हमको बहुत खिले हुए झटक पटक अवतार में देखा होगा काफ़ी सादगी से और जैसे हम हैं एक प्लेन कैनवास की तरह आज आप हमें देख पाएंगे। तो ये एक कलाकार की ओवरऑल खूबी भी है जिसके कारण हम आज यहाँ पे हैं। सो या सर मैडम की आपके 2 साल के बाद ओपनिंग हुआ,
आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में सर? ना, एक तो ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि लॉकडाउन के बाद ये आर्ट गैलरीज खुल रही है, तो जो आर्ट लवर्स है बॉम्बे के, उनके लिए अभी एक, क्योंकि सब स्टेगनेंट हो गया था तो आर्ट गैलरीज भी बंद हो गई थी, अभी आर्ट गैलरीज खुल रही और नेहा जी जैसे सेलिब्रिटीज के हाथों एग्जीबिशन होना तो कानन के लिए भी एक मेमोरेबल इवेंट है। मैं एक बात ये कहूँगी कि जो माँ बाबा ने सिखाया है और हम जो कहते हैं कि समाज में कुछ देते चलना, ये जो सर आपने स्टेप मिलके लिया है या हमने जो ये आफ्टर द पैंडमिक पब्लिक के लिए हमने कुछ अच्छा करने की जो सोची है वो शायद यूनिवर्स नोटिस करेगा। जिंदगी के काफ़ी सारे रंग ना धुल चुके हैं, इस एग्जीबिशन से ऐसे यहाँ पे लोग आके डिसेंसी भी संभाल पाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग भी रख पाएंगे और अपने जीवन के जो रंग मुरझा गए उन्हें ताज़ा कर पाएंगे। ये जो ब्लेसिंग्स हम लेंगे वो शायद हम सब मिल बांट के लेंगे उसको और चेरिश करेंगे, और ट्रस्ट माई वर्ड्स ये होगा, बिकॉज किसी को देना वो भिक्षा भिक्षा हो जाती है अगर पैसे देते हैं, किसी को जीवन देते हैं तो सुरक्षा और रक्षा हो जाती है, जो यूनिवर्स देखता है और रक्षाबंधन भी आ रही है। सो वी हैव अ कलरफुल रक्षा ऑफ ऑल ऑफ आवर सिटीजंस एंड स्टिल टीच देम हाउ टू लिव वाइब्रेंट लाइफ। आशु भाई, लास्ट सवाल के घर के अंदर आप मैडम ने पेंटिंग में तो आपका कितना सपोर्ट रहता था, किस तरह रहता था माहौल और आप कितना? आर्टिस्ट को किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं रहती, वो अपने आप में एक सपोर्ट रहते हैं। जैसे नेहा जी है तो वो एक अपना रास्ता, आर्टिस्ट है वो अपना रास्ता पानी की तरह निकालते कहीं भी, तो आर्टिस्ट को वो खुद अपने एक अपनी अलग लाइफ होती है हर आर्टिस्ट। वो लोग मूडी भी बोलते हैं कि कोई राइटर है, एक्टर है, पेंटर है, तो वो लोग की अलग अलग सोच रहती है, लेकिन एक कॉमन रहता है कि वो लोग अपने आप में एक, जिसको बोलते हैं ना कि डेडिकेशन नहीं, और दूसरा कि खोए अपने आप में खोए रहते हैं, तो वो लोग को क्या है उनका आर्टिस्ट लोग को सपोर्ट। कई बार आप बोलो कि जैसे कि नेहा जी एक्टिंग कर रहे हैं, आप बोलो कि मैं हेल्प करता हूँ तो शी विल बी डिस्टर्ब। सो वी बेसिकली डेवलप आवर ओन वर्ल्ड, आवर ओन सोल, तो उसमें शायद फिर हाँ हमें लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है, पर सपोर्ट होता ही है। और जैसे पेंटिंग बनाने के बाद, जैसे कि अभी आपने पूछा एक कि कौन सा पेंटिंग, अभी माइथोलॉजी का नेहा जी ने बताया, मुझे याद आया कि माइथोलॉजी के जो कुछ कैरेक्टर्स बनाए ब्यूटीफुल, तो बनाने के वक्त वो पूरी एक अलग दुनिया में रहती, तो उस वक्त वो लोग चाहते हैं कि अलग कोई एक स्पेस चाहिए, तो हर आर्टिस्ट के लिए एक बनाने के वक्त या एक्टिंग करने के वक्त, लिखने के वक्त, पेंटिंग बनाने के वक्त उसको प्राइवेसी या स्पेस चाहिए। लेकिन इसके बाद जैसे कि नेहा जी ने यहाँ के सपोर्ट लैंड किया तो इट्स अ सपोर्ट, जैसे आप मीडिया वाले लोग आए हैं तो इट्स अ सपोर्ट, जैसे आर्ट लवर्स आएंगे तो इट्स सपोर्ट। व्हाई आई वुड से इट्स अ ब्यूटीफुल सपोर्ट इज बिकॉज हम सबको ही मिलके जीना है। आई मीन आई वुड रादर से कि आज यहाँ पे जो हम प्रस्तुत है हेन केन प्रकारन कुछ भी, ये जो प्रमोशन होगी वो जिंदगी में लोगों की आंखों से शुरू होगी और आत्मा तक पहुंचेगी, क्योंकि सबको हमें वापस जीवंत परिस्थिति में लाके आगे बढ़ना है, और उसका सबसे पहला शुरुआती जो तौर होता है वो होता है एडिंग कलर्स इन योर एंड दैट मैटर्स टू मी अ लॉट, एंड आई लिव फॉर पीपल एंड वी ऑल लिव फॉर ईच अदर बिकॉज ऑफ ईच अदर एंड थ्रू ईच अदर। So landing support and putting this exhibition is we are thankful to you and Kanan Ben that society ka sochna banta hai aur hum sochte hain. So that is I think beautiful crux of the story. Thank you so much. I love you all and thanks for lending your support. Thank you. All of you are standing here like a rock star and let us make Bharatiya Bhumi aur Bharatiya Jan Samudaya a colorful, happy Janasamudaya by Kanan Khan's beautiful painting exhibition's first step.